राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का अल्पकाल, बहुत लंबा संघर्ष का काल, उसके में केवल 190 वर्ष का भारत के उन क्रांतिकारी वीर सपूतों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ दिया, परंतु उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं आया। अभी 190 वर्ष में भी एक पर्टिकुलर बीच का समय ले रहा हूँ, काकोरी कांड और चटगांव शस्त्रागार का वो एक युग जो था सन 1916 से 1934, लेकिन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में भी जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनको भी मैंने बीच में लिया है। तो 1916 से 1942 तक का कुछ ये कार्यकाल मैं पर्टिकुलर ले रहा हूँ। इसी छोटे से काल में 200 से ऊपर एपिसोड और 300-400 के आसपास और इससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी के नाम आपके सामने आएंगे जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के अंदर आहूत कर दिया अपने आप को। लेकिन अज्ञात, ऐसे असंख्य अज्ञात लोगों की श्रृंखला में आज तीन नाम और जुड़ रहे हैं। श्री अतुल कुमार सेन, श्री अनिल भादुड़ी, श्री मणि लाहड़ी। अतुल कुमार सेन, अनिल भादुड़ी, मणि लाहड़ी कलकत्ता के अंदर कुछ क्रांतिकारी बैठे हैं, चर्चा हो रही है, विचार चल रहा है। ये वाटसन का बच्चा हम लोगों के विरुद्ध अपने अखबार में जहर उगलता रहता है, यदि इसका मुंह बंद नहीं किया गया तो छोटे छोटे संपादक भी हमारी तरफ भौंकना आरंभ कर देंगे। अरे कर क्या देंगे, कर ही तो रहे हैं। स्टेट्समैन बड़ा अखबार है, उसकी देखा देखी छोटे छोटे अखबार भी हम पर कीचड़ उछालने लगे हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम स्टेट्समैन के मुख्य संपादक अल्फर्ड वाटसन को ठिकाने लगा दें और उसको ठिकाने लगाकर अन्य को भी सबक सिखाएंगे, एक मैसेज देंगे और वो कुछ लिखना बंद करेंगे। गड़बड़ लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, क्रांतिकारियों के खिलाफ बहुत कुछ स्तर से भी बहुत नीचे जा करके उन देशभक्तों के लिए अखबारों के अंदर लिखा जा रहा है। हाँ, वाटसन को सबक सिखाने का बीड़ा कौन उठाएगा, प्रश्न उछला। चर्चा चल रही थी आपस में लेकिन मौका नहीं दिया। ये विचार चल ही रहे थे कलकत्ता के उन क्रांतिकारियों के बीच, बीड़ा उठाने का प्रश्न जब आया तो अतुल कुमार सेन नाम के क्रांतिकारी ने स्वयं को प्रस्तुत किया, उसकी बात मान ली गई। उसे एक बहुत बढ़िया रिवॉल्वर पार्टी की तरफ से दिया गया। 5 अगस्त 1932 को दोपहर का भोजन करके ऑफिस के फाटक के पास जब पहुंचा वाटसन, और फाटक के अंदर जाने के लिए जो ही कार की गति धीमी हुई, अतुल कुमार सेन ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालकर वाटसन पर गोली चला दी। चूंकि कार गाड़ी आगे सरक रही थी, हाथ भी खिड़की में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, हाथ खिड़की के साथ टकराया। इसके दो परिणाम हुए, एक तो निशाना हिल गया और सामने के कांच को चीरता हुआ वो निशाना गोली बाहर चली गई, और दूसरा परिणाम क्या हुआ, हाथ में टक्कर लगने के कारण अतुल का रिवॉल्वर वाटसन की कार के अंदर ही गिर गया।
फाटक पर खड़े दरबान ने अतुल पर गोली चला दी, लेकिन वो भी चूक गया। पास खड़े एक और सिपाही के साथ दोनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया, अतुल कुमार सैन को। जब उसने देखा कि मैं बड़ी बुरी तरह से दबोच लिया गया हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकूंगा, तो अपना एक हाथ मुक्त करके जेब में डाल करके कुछ निकाल के मुंह में डाल दिया, बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रात जाते ही रास्ते में मृत्यु भी हो गई। वाटसन पर पहला प्रयत्न असफल हो जाने के कारण चर्चा चल रही थी कि इस बार हमको जरा, आपने एक साथी को भी खो दिया और हम उसका कोई नुकसान ही नहीं कर सके, तो इस बार क्रांतिकारियों के एक दल ने वाटसन पर आक्रमण किया। कैसे? 28 सितंबर 1932 को, September 28, 1932 को, जब वाटसन अपनी कार द्वारा महिला सेक्रेटरी के साथ घर जा रहा था, तो एक खुली हुई कार में बैठकर उसका पीछा कर रहे थे कुछ क्रांतिकारी। बगल में पास में पहुंचते ही वाटसन पर गोलियां चला दी। दो गोलियां वाटसन के कंधे पर लगी। वाटसन ने अपने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा, लेकिन उसी समय एक बग्गी सामने आ गई और वाटसन की कार को रुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की कार भी उसके निकट पहुंच गई और फिर गोलियां चला दी। वाटसन और वो महिला सेक्रेटरी दोनों घायल हो गए। इसी समय एक सार्जेंट वहां पहुंच गया। उसने वाटसन के आक्रमणकारियों पर गोलियां चला दी नॉनस्टॉप। क्रांतिकारी कार के नीचे कूदकर भाग खड़े हुए। सार्जेंट ने वाटसन की गाड़ी को ही लेकर उनका पीछा किया, गोलियां चलाता रहा। आगे पुनः एक बार ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी आ जाने के कारण, और क्रांतिकारियों ने तो कार छोड़ करके नीचे कूदकर और वहां से भाग रहे थे वो, लेकिन गोलियां बहुत लग गई थी। एक क्रांतिकारी तो एक दिशा में भागा और तीन अन्य क्रांतिकारी अन्य दूसरी दिशा में भागे। अकेला क्रांतिकारी तो भागने में सफल हो गया, पर तीन में से दो क्रांतिकारी गोली खाकर गिर पड़े और वही मृत्यु हो गई। मरने वाले, बलिदान होने वाले क्रांतिकारियों के नाम थे मणि लाहड़ी और अनिल भादुड़ी। जैसे मैंने तीन नाम पहले बताया, अतुल कुमार सैन, अनिल भादुड़ी और मणि लाहड़ी, ये तीन का आज हम चरित्र देख रहे थे, जीवन की उनकी लीला देख रहे थे। छोटी सी आयु में वो भारत माँ के लिए क्या अपना तोहफा भेंट कर रहे थे। तीसरा जो पकड़ा गया था, तीन भागे थे ना, दो तो हो गया, तीसरा पकड़ा गया, मुकदमा चला, आजन्म कारावास का दंड मिला, आजन्म कारावास का दंड मिला। ये बात अवश्य हुई इसके, इस घटना के बाद, कि समाचार पत्रों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अनर्गल लिखना छोड़ दिया, माहौल बदला। गड़बड़ लिखेंगे तो कोई भी आकर के, जैसे क्रांतिकारी समझते थे कि कोई भी गोली उनको छलनी कर सकती है, ऐसे उनको भी लगने लगा था कोई भी क्रांतिकारी आकर के हमारा मामला सेट कर सकता है। ऐसा शौर्य और वीरता का एक से एक बढ़कर के विलक्षण पृष्ठ लिखने वाले
जान हथेली पर रख करके काम करने वाले हैं। कब आज़ादी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम आज़ादी लेकर रहेंगे और इस दुष्ट अंग्रेज सरकार को सशस्त्र चुनौती देंगे। ऐसा सब करने वाले, और ये लंबी एक श्रृंखला, लंबा एक इतिहास, एक लंबा इतिहास। मैं ऐसे ही अज्ञात लोगों को, इनका नाम किसी ने नहीं सुना, पर क्या इन लोगों को इतिहास में जाना नहीं जाना चाहिए था? अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने इन बलिदानियों को, अपने ये कुर्बान होने वालों को, ऐसे वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, क्या अगली पीढ़ी तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान दे करके हमें बचाया और हमारे देश को बचाया? ऐसे ही पुरखों की बात चली तो कल मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। कल 4 जुलाई थी, 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत, जिन पर मेरी काफी सारी बुक्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, कल स्वामी विवेकानंद जी का की पुण्यतिथि थी, अंतिम श्वास 4 जुलाई 1902, 12 जनवरी 1863 में आए और 4 जुलाई 1902 को वो चले गए। 40 साल से भी कम, 40 ईयर्स से भी कम जीने वाले स्वामी विवेकानंद सारे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति सभ्यता की कीर्ति का जश का की पताका फहराते हुए, उस समय जब अंधकार था, गुलामी थी, हर फील्ड के अंदर हमें को दुनिया के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा था, उस समय का काम उस नरेंद्र ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। कल उनकी पुण्यतिथि थी, मैं कल के संबोधन के अंदर उनको स्मरण नहीं कर पाया, तो आज उनको स्मरण करते हैं। एक वो नरेंद्र था जब सारे विश्व के अंदर उस समय जब भारत के प्रति धारणाएं बड़ी अजीब सी बन गई थी, उन सारे बादलों को समाप्त करते हुए एक नया सूरज, एक नई किरण, एक नई आशा, एक नया विश्वास, गौरवमय भारत को, सोने की चिड़िया और विश्वगुरु भारत को प्रस्तुत करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो सारे विश्व के अंदर किया था, उनका भी नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद तो बाद में बने, और आज के जो हमारे नरेंद्र हैं, इन 8-9 वर्षों में ही सारी दुनिया के अंदर भारत के कद को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले, विश्वगुरु की प्रतिष्ठा दिलवाने वाले, उसके निकट हम पहुंच रहे हैं हर मामले में, हर मामले में। चलिए आज के नरेंद्र की बातें तो आप बहुत सुनते रहते हैं, सुबह शाम सुनते हैं। मैं अभी जो ले रहा हूँ भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, अभी केवल 190 वर्ष का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, ये इस कालखंड में जिन लोगों ने सशस्त्र चुनौती दी और अपने आप को आहुत कर दिया, ऐसे अज्ञात जिनको इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला, और जिनको स्थान मिला हुआ है इतिहास में, वो एक बहुत बड़ा क्रूअल जोक है, क्रूर मजाक है। आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, कांग्रेस ने लेके दी, ये तीनों ही बातें बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। इनमें से एक बात इनको पूछ लिया करो कि कोई ऐसा कांग्रेस लीडर जिसको फांसी हुई हो, कोई ऐसा कांग्रेस लीडर जो अंग्रेज की गोली से मरा हो, कोई ऐसा कांग्रेस लीडर जिसको काला पानी की घोर नार किए अमानुषिक सजा मिली हो, एक एक नाम। और कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज था, और पहले 1915 प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे, अंग्रेज थे कांग्रेस के, और 1910 में जब क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास मिला, तब भी प्रेसिडेंट कांग्रेस के, ब्रिटिश सरकार के यहाँ के सेक्रेटरी थे, वो कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, और बाकी उसे प्रश्न करते हैं, हाँ आज़ादी के लिए कौन लड़ रहा था? इसलिए मैंने अभी
ये 190 वर्ष का समय लिया है, लेकिन मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 1500-2000 ऐसे अज्ञात शौर्य और वीरता का कमाल दिखाने वाले और कमाल उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ऐसे नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।